की शुरुआती कक्षाओं में गिनती और पहाड़ों पर विशेष जोर दिया जाता है। टीचर चाहते हैं कि बच्चे इनको रट लें और बच्चे चाहते हैं कि इनसे जितना दूर भाग सके उतना अच्छा है। दिमाग के किसी कोने में पड़े इन बेजान संख्याओं में आज हम इन रंग बिरंगे धागों की मदद से जान डाल देंगे और इसकी शुरुआत हम इस 100 पॉइंट वाले सर्कल और इस धागे से करेंगे। अगर हम इस धागे से इन सभी नंबर्स को जोड़ दें तो हमें 100 साइडेड पॉलीगन मिल जाता है। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हर नंबर में 30 ऐड करेंगे और फिर जो नंबर आएगा उससे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि एक में 30 जोड़ा तो 31 आया, तो हम एक को 31 से कनेक्ट कर देंगे और ये करने के लिए हम एक पर धागे को बांध देंगे और फिर उसको 31 तक लेकर जाएंगे और 31 के हुक में डालकर पीछे से वापस एक पर लेकर आ जाएंगे। और ऐसा करके हमने एक को 31 से दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया। अब आता है दो। इसके लिए पहले एक से दो पर जाएंगे, फिर पीछे से 32 पर आएंगे और 32 वाले हुक में फंसाकर ऊपर से वापस दो पर आ जाएंगे। ऐसे ही 3, 4, 5, 6 करते करते हम 70 तक पहुंच गए और 70 को 100 से कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब 71 को किससे जोड़ेंगे? 71 में 30 जोड़ने पर हमें 101 मिलता है, पर हमारे पास तो 100 तक ही नंबर हैं, तो हम ऐसा मानेंगे कि 100 के बाद भी नंबर कंटिन्यू हो रहे हैं। एक वाली जगह पे 101 आएगा, दो वाली जगह पे 102 और ऐसे ही तीन वाली जगह पे 103 और ऐसे ही आगे भी। तो यहाँ हम 71 को 1 से जोड़ देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर को किससे कनेक्ट करना है ये निकालने के लिए उस नंबर में 30 ऐड कर दो और फिर उसमें 100 का भाग दो और जो रिमाइंडर या शेषफल आए उससे कनेक्ट कर दो। तो हमने 71 को 1 से जोड़ा था। ऐसे ही हम 72 को 2 से, 73 को 3 से और ऐसा करते करते हम सभी नंबर्स को जोड़ देंगे और हमें सीधी लाइनों से ये सर्कल मिल जाता है। इसको करने का एक और तरीका ये भी है कि हम पहले 1 से 31 पर जाएं और 31 से फिर 32 पर जाएं और फिर 2 पर आ जाएं। ऐसा करने से हमें दोनों साइड सर्कल मिलने की बजाय सिर्फ एक ही साइड सर्कल मिलता है। और आप इसको करने के अपने और नए तरीके भी ढूंढ सकते हैं। 30 की जगह अगर हमने कोई और नंबर लिया तो इस सर्कल का साइज चेंज हो जाएगा। अगर 30 से ज़्यादा जोड़ा तो सर्कल छोटा, अगर 30 से कम जोड़ा तो सर्कल बड़ा। अगर हमने 50 ऐड किया तो ये सर्कल गायब हो जाता है क्योंकि ये सभी सर्कल के डायमीटर्स हैं। और 50 के बाद अगर हम और ऐड करते जाएं तो सर्कल वापस बड़ा होने लगता है। तो एडिशन से तो हमने रंग बिरंगे सर्कल्स बनाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर मिलेगा उससे कनेक्ट करते जाएंगे। यानी 1 को 2 से, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8 से, ऐसे ही हर नंबर को उसके डबल से कनेक्ट करना है। इस केस में भी डबल करने पर अगर नंबर 100 से ज़्यादा आए तो उसमें 100 का भाग दे दो और जो रिमाइंडर आए उससे कनेक्ट कर दो। जैसे 50 को 100 से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन 51 को किससे जोड़ेंगे? 102 को 100 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचा, तो हम 51 को 2 से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही 52 को 4 से और 53 को 6 से। और ऐसे ही अगर सभी नंबर्स को हम उसके डबल से कनेक्ट कर दें तो हमें ये दिल जैसी शेप मिल जाती है। और ग्रीक में दिल को कार्डिया बुलाते हैं, इसलिए इस शेप को हम कार्डियोइड कहते हैं। और अचंभे वाली बात यह है कि यही शेप हमें कॉफ़ी के मग में या बाल्टी में भी मिलती है। लाइट रेज मग के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर ये कर्व्स बनाती हैं। और अगर हम एक सर्कल को उसी रेडियस वाले दूसरे सर्कल के ऊपर घुमाएं तो एकदम यही शेप हमें फिर से मिल जाती है। लाइट रेज के रिफ्लेक्शन का, सर्कल पे सर्कल के घूमने का
और दो से गुणा करने के बीच का क्या कनेक्शन है कि हमें इन तीनों से ही कार्डियोइड मिलता है, ये भी आप सोचिए। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी सीधी लाइन्स हैं और इन सीधी लाइनों से ही हार्ट बन जाता है। सीधी लाइनों से फाइनली ये कर्व बन जाते हैं, इसी को हम कर्व स्टिचिंग कहते हैं। अब डबल की जगह अगर हर नंबर को उसके ट्रिपल से जोड़ दें तो हमें ये नेफ्रॉइड मिल जाता है। ये किडनी के आकार का शेप है और ग्रीक में किडनी को नेफ्रोस कहते हैं। नेफ्रॉइड को भी हम सर्कल पे सर्कल घुमाकर बना सकते हैं। घूमने वाले सर्कल का रेडियस हाफ कर देंगे तो हमें नेफ्रॉइड मिल जाएगा। यही कर्व स्टिचिंग आप कार्डबोर्ड पर भी कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पर एक सर्कल बनाकर उसकी बाउंड्री पर कुछ कट्स लगा दें। जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना क्लियर कर्व बनेगा। और यही अलग अलग पैटर्न्स आप पेपर और पेन की मदद से भी बना सकते हैं। अब यही धागे का खेल हम 100 पॉइंट्स की जगह इन 12 पॉइंट्स पर करके देखते हैं। अगर इन 12 पॉइंट्स को सीधा धागे से कनेक्ट कर दें तो ये 12 साइडेड पॉलीगन मिल जाता है। अब अगर हर नंबर में दो जोड़कर कनेक्ट करें तो हेक्सागन मिल जाता है। तीन जोड़कर स्क्वायर, चार जोड़कर ट्राइंगल और अगर पांच जोड़कर करें तो हमें स्टार मिल जाता है। तो 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 इन सब से तो हमें पॉलीगन मिले जिनमें लाइंस एक दूसरे को काट नहीं रहे। लेकिन 12-5 में ऐसा क्या हुआ कि हमें पॉलीगन की जगह ये स्टार मिला? जीवन के बड़े सवालों की तरह इसका जवाब भी हमें पहाड़ों में मिलता है। 1, 2, 3, 4 इन सब के पहाड़े में 12 आता है, लेकिन 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता। इसलिए 5 जोड़कर अगर नंबर्स को कनेक्ट करेंगे तो सभी नंबर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और हमें ये स्टार मिल जाता है। बुक में इन्हीं नंबर्स को हम कोप्राइम बोलते हैं। 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, इसलिए 12 और 5 कोप्राइम्स हैं। अब हम इसी प्रोसेस को 13 के साथ करते हैं। 13 एक प्राइम नंबर है तो वो 13 और 1 को छोड़कर और किसी पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी जोड़ दें, हर बार हमें ये स्टार्स ही मिलते हैं। दो लाइंस पर बने सभी पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते जाएं, तो हमें पैराबोला मिल जाता है। इसके एंगल को कम ज़्यादा करके आप इस तरह की बहुत सारी सुंदर शेप्स भी बना सकते हैं। ए से लेकर जेड तक सभी अल्फाबेट्स आप स्ट्रिंग आर्ट से लिख सकते हैं। और तो और आप अपना चेहरा भी इन धागों की मदद से बना सकते हैं। तो धागे से सिर्फ आईब्रो ही ना बनाएं बल्कि पूरा चेहरा बना डालें। थैंक यू।